Mr. Ishaan Khurana. Right, sir. You're a writer and poet by profession. Actually, I'm married and my wife is in Dubai. Mein kaam karti. और उसके बाद हम लोग ने ऐसा शिफ्ट लिया जिसका करियर अच्छा चलेगा हम लोग ने डिसाइड किया वो उसके साथ चला जाएगा वो अपना करियर पे ध्यान दे रही है मैं शायद घर पे रह के ये सब काम करके कर लूं तो चार लाइन हमको भी सुना मैंने एक पोयम लिखी थी दुबई के मतलब जब मैं एयरपोर्ट पे बैठा था दिल्ली में wow. तो वो एक पोयम है मैं कुछ लाइंस आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं ये एयरपोर्ट की जुदाई बहुत तड़पाती वो बापू के आंसू वो मां की जप्पी सुन कर जाती है डर है किसी को है खुशी पर एक बात तो है पक्की हाय ये एयरपोर्ट वाली जुदाई क्या बात है क्या बात मैंने भी एक पोएम लिखी थी आज तक लाइफ में एक ही पोएम लिखी है एंड दैट वाज अबाउट माय फादर ओ फादर यू आर द बेस्ट आई एम ऑलवेज गोना लव यू वेदर आई एम इन द ईस्ट और वेस्ट यू कैन बी ऑन एनी रियलिटी शो एनी डांसिंग सिंगिंग फूड Poem, amazing. Okay, not enough. Now we'll try. What have you made for us? Sir, ये है actually frittata बोलते हैं जो frittata. Yes, तो frittata मत बोलो मैं आपको टाटा कर दूँगा. नहीं नहीं sir, actually वो होता है बड़ा सा egg और spinach के साथ ही उसको flavour करके बनाया जाता है. तो ये वो नहीं है. Actually Turkish dish भी एक इसी तरीके की बनती है जो eggs और spinach के साथ सिर्फ बनाई जाती है. Okay, chaliye. Now we've tasted it. We'll start with David. David, what do you think about this? I'm expecting something slightly more complicated than this. I can really cook well. It, और मैं जानता हूँ मैं पका सकता हूँ. बहुत yeah. अच्छा चीज़ है. But this was your opportunity, right? And I expected a little bit more effort than that. Calling a dish by its fancy name, I think that doesn't work. आपने बोला ये फ्रिटाटा है इट्स अ स्पैनिश ऑमलेट दोनों की दोनों बहुत ट्रेडिशनल ओरिजिनल डिशेज हैं अ स्पैनिश ऑमलेट इज फ्लफी इट्स लोडेड विद पोटैटोज इट्स लेड विद पोटैटोज फुल ऑफ ऑलिव ऑयल एंड देन बेक्ड इन अ पैन सो इट्स नॉट अ स्पैनिश ऑमलेट ए बी फ्रिटाटा फॉर एनीथिंग टू बी कॉल्ड अ फ्रिटाटा इट हैज टू बी अ अपसाइड डाउन ऑमलेट बट वॉट एवर दिस डिश इज इट इज टेस्टी आई एम वेरी श्योर यू कैन क्रिएट वंडर्स विद दिस कीप इट अप फ्रॉम मी इट्स अ यस And you are coming with us! Yay! Welcome to Foodshala Season 8! Thank you! जा रहा था तब तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था जब केमिस्ट्री के पेपर के पहले मेरे साथ होता था बिल्कुल सांस रुक जाती थी और अब हार्ट बीट तेज हो जाती थी वो वाला हाल हो रहा था मैं पहले अपनी वाइफ को डेफिनेटली बताना चाहूँगा क्योंकि उसको मालूम है फिर मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँगा हेलो मोटू हो गया सेकेंड राउंड हो गया यार अभी बहुत मस्त लग रहा है क्या बात कर रहे हैं यार सर तो हैप्पी है यार हमारे काम कामयाब हुए